क्लास 12 के बच्चों, हमारी जो विविध प्रश्नावली चल रही थी चैप्टर 8 की, विविध प्रश्नावली में 3 तक के क्वेश्चन मैंने कल दे दिए थे तुम्हें बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 देखें आप। 4 में आया वाई बराबर मोड ऑफ x+3 का ग्राफ खींचिए। तो सबसे पहली बात क्या है कि बेटा वाई बराबर मोड ऑफ x+3 का हमें ग्राफ खींचना है, बाकी सब काम बाद में हमारे पास। तो बेटा इसका ग्राफ खींचने के लिए आप लोगों को पहले भी बताया था मैंने आपको कि आप इसकी वैल्यू देखें भाई। आप लोगों को पहले बताया था मोड ऑफ एक्स की वैल्यू एक्स होती है अगर एक्स ग्रेटर जीरो, मोड ऑफ एक्स की वैल्यू माइनस एक्स होती है अगर एक्स लेस देन जीरो। ये बात मैं तुम्हें पहले भी कई बार बता चुका। तो यहाँ बेटा x+3 की वैल्यू अगर ज्यादा है जीरो से, यहाँ हम लेंगे फर्स्ट पार्ट कि अगर x+3 ग्रेटर जीरो है तो y बराबर x+3, समीकरण नंबर 1 आ गया हमारे पास। सेकंड पार्ट अगर x+3 लेस देन जीरो लेंगे तो y बराबर माइनस x+3, समीकरण नंबर 2। क्लियर। अब इनको हम ग्राफ में खींचेंगे बेटा। देखो ग्राफ में कैसे खींचते हैं, ये बात आपको पहले भी पता है। x x डैश y y डैश, ये 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया। इधर को आपने बना दिया -1 -2 -3 -4 -5 -6। ठीक होगी बात यहाँ तक। अब आप सबसे पहले समीकरण 1 को लो। समीकरण 1 से समीकरण 1 कितनी थी हमारी, y बराबर x+3, x बराबर 0 ले लिया आपने तो y बराबर कितना आ गया 3। तो पहला जो पॉइंट आया आपके पास वो कितना है 0 3। 0 3 का मतलब x की वैल्यू 0 और y की 3, 1 2 3। तो बेटा ये आ गया आपके पास 0 3, इसको आपने a से लिख दिया, इट इज a। उसके बाद आपने क्या लिया y बराबर 0, तो y बराबर अगर 0 लेंगे तो x बराबर आएगा -3, तो पॉइंट आ गया -3 0। बेटा -3 0 ये है आपका, इसको हमने कैसे लिख दिया b से। इसको अगर b से लिखते हैं तो a को b से हमने मिला दिया, ये मिलाया a को b से। क्लियर होगी बात यहाँ तक। ये जो रेखा है आपकी इसे आगे भी बढ़ा सकते हो, ये रेखा कितनी आ गई आपकी y बराबर x+3। क्लियर है बात यहाँ तक। उसके बाद बेटा समीकरण 2 पे चलते हैं। y बराबर -x -3, जब -x -3 पे चलेंगे तो x = 0 रखेंगे तो y = -3। तो बेटा x = 0 y = -3, यानी 0 और -3, इस पॉइंट को हमने कैसे लिख दिया सी से। 0 और -3 0 का मतलब क्या हुआ कि x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास -3। तो बेटा -3, 1 2 3, ये आ गया हमारे पास x की वैल्यू 0, x पे तो हम चले ही नहीं, और y की वैल्यू -3, इस पॉइंट को हमने लिख दिया सी से। क्लियर होगी बात। उसके बाद हमने y = 0 रखा है, जब y = आप 0 रखोगे तो x = आ जाएगा आपके पास -3। तो -3 और 0 तो पहले से ही बेटा पॉइंट b है, तो इसको भी हमने b से ही लिख दिया। तो सीधी सी बात है, हमने b को इससे मिला दिया, तो b को c से मिला के हमने ऐसे ये ऊपर की तरफ को ऐसे बढ़ा दिया, ऐसे रेखा तो आप कहीं तक भी बढ़ा सकते हैं। तो ये जो रेखा है आपकी वो कितनी है, वाई बराबर -x और -3, वाई बराबर -x -3। क्लियर होगी बात यहाँ तक। तो ये आपका ग्राफ खींच गया बेटा। ग्राफ खींचने के तो ये तरीके हमारे पास, तुम लोगों के चलो कोई नहीं याद वाद नहीं रहा होगा। अब इससे अगला पार्ट इसने क्या कहा है, इसमें अगले पार्ट में इसके कहता है कि इंटीग्रल ऑफ -6 to 0 मोड ऑफ x+3 dx का मान ज्ञात करो। तो बेटा आपने डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी काफी पढ़ी है, तो उसी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग अगर आप इसे i से मान लें तो इसको देखो आप, ये कहाँ ब्रेक लेती है -3 पर भाई। -6 रखी आपने वैल्यू नेगेटिव, -5 रखी नेगेटिव, -4 रखी नेगेटिव, लेकिन जब आप -3 रखेंगे तो 0, -2 रखेंगे तो पॉजिटिव। तो जहां इसने ब्रेक लिया वहीं आप ब्रेक लिया करते थे लिमिट में। तो -6 to -3 मोड ऑफ x+3 dx प्लस, अब आपने क्या करा, -3 से 0 और मोड ऑफ x+3 dx। बेटा ये तो इंटीग्रल की बात है, ये तो नया कुछ है ही नहीं इसमें। तो जब आपने ब्रेक ले लिया i = -6 to -3, अब आप मोड को हटाएंगे तो -6 से -3 तक वैल्यू कैसी इसकी, नेगेटिव।
तो यानी मोड हटाने पर आएगा माइनस एक्स प्लस थ्री डी एक्स, और यहाँ देखें माइनस थ्री से जीरो, यहाँ वैल्यू कैसी है पॉजिटिव, तो यहाँ आ गया एक्स प्लस थ्री डी एक्स। ठीक होगी बात, मोड आपके हट चुके। अब बताओ आपको इंटीग्रल करने में कोई समस्या है क्या? बट अब तो पुराना ही सवाल हो गया, इंटीग्रल का कोई दिक्कत नहीं रही। देखो आप क्वेश्चन नंबर छह, छह में इसने बोला है प्रबल है वाई स्क्वायर बराबर फोर ए एक्स इक्वेशन नंबर वन। तो मुझे लगता है कि इक्वेशन खींचते ही आप अगर इसका चित्र भी बना दें तो भी कोई समस्या वाली बात नहीं है। ये आपने इसका चित्र बनाया वाई स्क्वायर बराबर फोर ए एक्स। दूसरा क्या कहा इसने, अरे कौन सा कर दिया ये, अरे छठा हो गया। चलो फिर छठा ही देखो आप, छठे में इसने कहा प्रबल है वाई स्क्वायर बराबर फोर एक्स एवं रेखा वाई बराबर एम एक्स। और रेखा कितनी है भाई, वाई बराबर एम एक्स। बेटा वाई बराबर एम एक्स के बारे में आप पहले से जानते हो, एक्स बराबर जीरो रखेंगे तो वाई बराबर भी जीरो, तो ये जीरो जीरो से होकर जाती है। और कौन से क्वाड्रेंट में को होकर जाती है, थर्ड क्वाड्रेंट में को और फर्स्ट में को। तो ये रेखा होगी आपके पास वाई बराबर एम एक्स का नंबर दो। ठीक होगी बात, तो बेटा ये बात आपको पहले से भी पता है लेकिन फिर भी मैंने बता दी। तो ये कहता है इस एरिया का क्षेत्रफल आप याद करो। आप लोगों को पता बेटा क्षेत्रफल के लिए सबसे जरूरी क्या होती है, लिमिट। तो लिमिट पहले वाली तो ये आ गई एक्स बराबर जीरो, दूसरी लिमिट यहां से परपेंडिकुलर डाल दो ऐसे। तो इस दूसरी लिमिट का हमें क्या करना पड़ेगा भाई, अगर ये ओ है ये पी है तो पी के कोऑर्डिनेट पता होंगे तभी तो इस लाइन का निर्देशांक पता होंगे तुम्हें। तो आप सबसे पहले क्या लिखेंगे, पी के निर्देशांक के लिए एक व दो को हल करने को। तो बेटा वाई की जगह हमने क्या रख दिया एम एक्स, एम एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू फोर एक्स। ध्यान दो बात पे भाई, वाई की बदले हमने क्या रख दिया इसमें एम एक्स, तो एम एक्स रखते ही क्या हुआ एम एक्स का स्क्वायर इक्वल टू फोर एक्स। तो यहाँ आया एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर इक्वल टू फोर एक्स। भाई एक एक्स एक्स कैंसिल हो गया यहाँ से हमारे पास, तो जब एक एक्स एक्स कैंसिल हुआ तो एक्स बराबर आ गया आपके पास फोर ए अपॉन एम स्क्वायर। तो यानी ये जो लाइन है आपकी एक्स इज इक्वल टू फोर ए अपॉन एम स्क्वायर। तो अब आप इस एरिया की लिमिट के लिए क्लियर सी बात आपको दिखाई दे रही है, छायांकित भाग का एरिया इज इक्वल टू लिमिट एक्स बराबर जीरो से लिमिट एक्स बराबर फोर ए अपॉन एम स्क्वायर। और बेटा वाई और वाई, ये तो वाई वन वाई टू दो वाला हो गया ना ऐसे, तो इसमें आप ऊपर वाला रखेंगे पहले, नीचे वाला रखेंगे बाद में। ठीक है बेटा, पिछली एक्सरसाइज जैसे। तो ऊपर वाले में आपने क्या लिखा है वाई, और वाई का मान क्या एक्स के पदों में, कहां से भाई परवलय से, एक्स के पदों में कहां से परवलय से। उसके बाद आप माइनस लगाएंगे, लिमिट वही हमारी एक्स बराबर जीरो टू एक्स बराबर फोर ए अपॉन एम स्क्वायर, और यहां भी वाई रखेंगे आप, और एक्स के पदों में कहां से भाई रेखा से। क्लियर होगी बात यहाँ से। तो बेटा अब कुछ नहीं रहा इस क्वेश्चन में, एक्स बराबर जीरो टू एक्स बराबर फोर ए अपॉन एम स्क्वायर, वाई की वैल्यू यहाँ कितनी रखेंगे रूट फोर ए एक्स, और यहाँ वाई की वैल्यू क्या रखेंगे एम एक्स, दोनों को कैलकुलेट करेंगे। बेटा कैलकुलेट तो तुम्हें ही करना पड़ेगा क्योंकि इंटीग्रल तुमने दो दो बार कर चुके तुम लोग। तो बेटा इस काम को आप लोग करेंगे, क्वेश्चन नंबर मैंने छह आपको बता दिया, छह के बाद सात आठ नौ आपको ट्राई करना है, सात आठ नौ दस आज का जो गृह कार्य है आपका। तो बेटा आज का जो होमवर्क है सात आठ नौ दस आप करेंगे, और जो उदाहरण छूट रहे वो आप करेंगे। उसके बाद एक क्वेश्चन पांचवा, मैं इसकी भी थोड़ी आपको हिंट दे देता हूँ भाई, हिंट की तो ये देखो बेटा मैं इंटीग्रल पे ले जाके छोड़ रहा हूँ क्वेश्चन। अब तुम लोग अगर इंटीग्रल नहीं कर पा रहे तो मुझे बताओ। पांचवे में इसने बोला है एक्स बराबर जीरो से एक्स बराबर टू पाई और वाई बराबर साइन एक्स से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल। तो बेटा सबसे पहले साइन एक्स का आप ग्राफ बनाएंगे, ये हो गया इस एक्स अक्ष, एक्स डैश वाई वाई डैश। यहाँ बेटा एक्स का मान है आपके पास ये जीरो है, ये पाई बाय टू है, ये पाई है, ये आपके पास थ्री पाई बाय टू है, ये आपके पास कितना सॉरी हाँ टू पाई। ठीक होगी बात भाई, नब्बे एक सौ अस्सी दो सौ सत्तर तीन सौ साठ। तो जब आप देखते हैं साइन जीरो तो ऊपर क्या है मान, ये वन है और ये कितना है माइनस वन। तो बेटा साइन का अगर आप याद भी रखा करो तो साइन जीरो पे वैल्यू क्या होती है जीरो, लेकिन नब्बे पे कितनी हो जाती है वन, तो ये नब्बे तक जाते जाते वन पे पहुंच जाता है, फिर ये घटना शुरू होता है और पाई पे आके फिर जीरो हो जाता है, फिर ऐसे नीचे की तरफ को ऐसे ये ऐसे ये होता है ऐसे। ओके, ये होता है साइन का ग्राफ, क्योंकि साइन जीरो की वैल्यू जीरो होती है और साइन नब्बे की वैल्यू कितनी होती है वन। तो बेटा इस ग्राफ के अकॉर्डिंग अगर आप इस छायांकित भाग का क्षेत्र निकाल दे तो ऑटोमेटिकली डबल हो जाएगा।
तो आप लिखेंगे यहाँ पर छायांकित भाग का क्षेत्रफल ए इज इक्वल टू लिमिट बाई लिमिट चेक करें x इक्वल टू जीरो और ये क्या है आपकी x इक्वल टू पाई, तो x इक्वल टू जीरो टू x इक्वल टू पाई। और क्या है ग्राफ तो यहाँ एक ही है बस, नीचे तो x अक्ष है ही, x अक्ष तो बाई डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली घेरता ही है, तो यहाँ है आपके पास y का मान x के पदों में और इंटू माया आपके पास dx। तो a इज इक्वल टू लिमिट आ गई x बराबर जीरो टू पाई और y की वैल्यू कितनी थी आपके पास साइन x dx। तो बेटा इसमें कोई समस्या नहीं किसी को होनी चाहिए, साइन x का जो इंटीग्रल होता है वो कितना होता है माइनस कोस x और लिमिट कितनी आ गई जीरो टू पाई। ओके अब आप इसको कैलकुलेट करेंगे और फिर इसका डबल, डबल इसलिए करेंगे बेटा क्योंकि ये जो क्षेत्रफल है आपका इधर वाला भी तो है अभी, ये भी तो इसके दुगुना तो करना ही पड़ेगा भाई, तभी तो आएगा क्षेत्रफल। तो बेटा मैंने चार क्वेश्चन आप लोगों को ग्रह कार्य के रूप में दिए हैं, कौन कौन से मैं फिर से याद दिला दूं भाई, पांचवा छठा तीसरा मैंने आपको करा दिया, छठा सातवा एक मिनट सातवा आठवा नौवा दसवा, क्योंकि क्वेश्चन बेटा पिछले जैसे हैं जैसे तुमने पहले कर रखे हैं, आप लोग इनको ट्राई करें, जो प्रॉब्लम आती है मेरे से पूछो और बेटा समय से अपना होमवर्क भेजो।